हेलो फ्रेंड, आप सभी को नमस्कार। आज हम बात करेंगे EPFO एनफोर्समेंट ऑफिसर 2020 UPSC की तरफ से रिक्रूटमेंट आई है। तो यदि फ्रेंड आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे टाइम टू टाइम आपको न्यू अपडेट मिल सके। तो हम पहले बात करेंगे 2020 में इसकी जो रिक्रूटमेंट आई है इसमें कितनी पोस्ट हैं। इसमें आपकी जो पोस्ट हैं वो 421 पोस्ट हैं, ठीक है। अभी इसकी फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, आप लोगों जिनने नहीं फिल किया है वो फॉर्म को फिल कर लीजिएगा। और इसकी जो एग्ज़ाम डेट है UPSC ने 4 अक्टूबर 2020 डिसाइड कर रखी है और इस तारीख को ये एग्ज़ाम होगा। तो आप लोगों के लिए बहुत काफ़ी टाइम है इसका एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए। इसमें आप देख लीजिए वो फॉर्म की जो भी डिटेल हैं। तो हम जो मेनली बात करेंगे, हम बात करेंगे प्रीवियस ईयर कट ऑफ पर। तो देखिए क्या कट ऑफ रहेगी जो आपकी इस बार, पहले जो 2020 का एग्ज़ाम होगा उसके बारे में बता दूँ आपको। 75 नंबर का आपका रिटर्न होगा और 25 नंबर का आपका इंटरव्यू के वो होगा, इसमें आपका ये चीज़ है, ठीक है। अब जो 2017 में इसका एग्ज़ाम हुआ था, इफ़ जो एनफोर्समेंट ऑफिसर है उसमें जो UR की जो कट ऑफ रही थी आपकी, वो जो पेपर की कट ऑफ थी 49.50, ये 100 में से था आपका, और इंटरव्यू में 50 नंबर, तो टोटल मिला के ये आपका 110 पॉइंट लगभग 83 कट ऑफ गई थी, ठीक है। ये आपकी UR कैटेगरी की थी। इसके साथ ही आपके जो OBC की थी कट ऑफ, OBC कट ऑफ रिटर्न में 44.50 और 45 आपका इंटरव्यू में दिए गए थे, टोटल 103.78, ठीक है। ये आपका फाइनल सेक्शन इस पर हुआ था, ठीक है। इसके बाद जो SC की है, SC की रिटर्न में 42.50 और 40 आपके इंटरव्यू में, तो ये 102.23 ये SC की। ST की जो कट ऑफ थी वो थी आपकी रिटर्न में 43.50 और इंटरव्यू में 40, तो ये आपका जो था लास्ट जो कट ऑफ थी 103.06 ये कट ऑफ आपकी थी। तो फ्रेंड ये कट ऑफ है, इस बार आप देख लीजिएगा थोड़ी कट ऑफ जितनी वैकेंसी ज़्यादा हैं। पिछली बार वैकेंसी 200 के लगभग वैकेंसी थी, तो कट ऑफ भी उसी हिसाब से थी। इस बार कैंडिडेट, नंबर ऑफ कैंडिडेट भी बढ़ेंगे और पोस्ट भी ठीक ठाक है, लेकिन बहुत कंपटीशन में बहुत बढ़ गया है, तो कट ऑफ अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। तो आप अच्छे से तैयारी कर लीजिए। यदि आपने फॉर्म नहीं फिल किया तो फॉर्म भी फिल कर दीजिए। थैंक यू।